हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं और हम सबको पता है कि ये चाइना की बहुत पुरानी आदत है। अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तो चाइना को भारत का भाई बताते हुए हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था, पर बदले में हमको क्या मिला? जिसको भाई माना था वही पीठ में चूरा घूप के चला गया। याद करो 1962, 1967 एंड 1987 की वो गद्दारियाँ, फिर भी भारत की ओर से हमेशा चाइना को भाई जैसा प्यार मिला, हमेशा उसकी सराहना हुई। हर बार भारत ने चाइना के लिए भाई भाईचारा और प्यार दिखाया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 2008 में तो चाइना और इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गए थे और इससे चाइना को इंडिया से 388,000 करोड़ का बिजनेस मिला। अगर वो बिजनेस का प्रॉफिट 15% भी अगर गिना जाए तो हालांकि वो 15% तो नहीं होता, उससे ज़्यादा ही होगा। कभी हम 15% प्रॉफिट गिने तभी चाइना को इंडियन मार्केट से 57,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कि हमारे देश के से चाइना को 57,000 करोड़ की कमाई हुई और इसका उपयोग उसने इंडिया चाइना बॉर्डर पर अशांति फैलाने के लिए किया और हमारी ज़मीन हथियाने में किया। पर बस अब बहुत हुआ, बहुत खरीद लिया चाइना का घटिया क्वालिटी का सामान। फ्रेंड्स, तुमको पता है इंडिया ने अपने सबसे अच्छा मिसाइल जो कि ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है, वो एक मिसाइल 27 करोड़ में बनाया है। अब सोचो, अगर वो 57,000 करोड़ हमने अपने देश इंडिया को दिए होते तो इससे कितने ब्रह्मोस मिसाइल बनते? सोचा है क्या कभी? नहीं सोचा होगा ना। अगर हमने वो 57,000 करोड़ रुपए चाइना को नहीं दिए होते और अपने देश के DRDO को दिए होते तो DRDO इससे 2110 मिसाइल बना सकता था और इससे इंडिया की अटैकिंग स्ट्रेंथ 20% बढ़ जाती। और दोस्तों, बहुत खरीद लिया चाइना का लो क्वालिटी का सामान। चाइना के लो क्वालिटी के सामान को अब नो बोलना सीख लो और अपने आर्मी भाइयों को बोलो कि हम तुम्हारे साथ हैं और अपने स्वदेशी सामान खरीदो, इससे अपने देश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इससे अपने देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अपने पैसे अपने ही देश के काम आएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेड इन इंडिया मेड इन चाइना से हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो प्रोडक्ट से मतलब है और प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। हाँ, मैन्युफैक्चर कंपनी क्यों देखे और अपनी जेब क्यों ढीली करे और अपने देश का क्या फ़ायदा करे उसमें? तो भाई, तुमको बोलना चाहूँगा कि हम इंडिया में भले ही राजस्थानी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती या पंजाबी से जाने जाते हैं, पर फॉरेन कंट्रीज़ में तो हम इंडियंस के नाम से ही जाने जाते हैं। तो भाई, इससे ये तो प्रूव हो गया कि हमारी पहचान हमारे देश से होती है और जिससे अपनी पहचान हो उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हारे चाइना की चीज़ें खरीदने से और इससे हमारा भाई कम हमारा दुश्मन चाइना स्ट्रांग होता है। तो बहुत हुआ, अब मेड इन चाइना को बाई नहीं BYE बाई बोलने का टाइम आ गया है। एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि मेड इन चाइना की प्रोडक्ट खरीद के अपने आर्मी भाइयों को लंगड़ा ना बनाए, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट खरीद के अपने देश भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाए और अपने बॉर्डर पे खड़े हुए आर्मी भाइयों को दहाड़ता हुआ शेर बनाए। मुझे सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।